तो किसने रोका था इनको कोर्ट जाने से? ये बोला कि मैं हार भी जाऊं तो मैं यही रहूंगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन देना गलत है? गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन से गलत है। अंबेडकर जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े लोग ना सोशल मीडिया के लिए स्पीच देते हैं। राहुल गांधी कोर्ट को जाए, खुद तो जमानत पे घूम रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनावी शोर लगभग थम चुका है दोस्तों। जिस तरीके से देखा गया शुरुआत से बटेंगे तो कटेंगे के नारे से होते हुए, उसके बाद 15 मिनट का जिक्र और फिर उसके बाद एक है तो सेफ है, इन सब नारों के बीच से गुजरता हुआ लगभग अब शोर थम चुका है। अब बारी है रिजल्ट की, मतलब महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आखिर महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, और जहां तक एग्जिट पोल भी आने वाले हैं वो किस तरफ रुझान दिखाने वाले हैं, और एग्जिट पोल पर लोग कितना विश्वास करते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कोचाटिल। कैसे हैं सर आप? हम तो फिट है बिल्कुल। क्या होने वाला है महाराष्ट्र में इस बार? मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी जीतेगा। मैं बीजेपी कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि महायुति जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। क्योंकि हमने देखा जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बीजेपी तकरीबन 145 सीट पे कॉन्टेस्ट करने वाली थी, 150 तक उनका आउटर टारगेट था। लेकिन ऐसा हो गया कि एक तो एनसीपी जो स्प्लिट फैक्शन है और शिंदे के फैक्शन है, इन दोनों के पास कैंडिडेट्स नहीं थे बहुत सारे सीटों के लिए, और बीजेपी ने उनको उधार दिया कैंडिडेट्स कि तुम हमारे कैंडिडेट्स को ले लो और वो कॉन्टेस्ट करेंगे। ऐसे हो गए तो बीजेपी अब 170 और शायद उससे ज़्यादा ही सीटों पे कॉन्टेस्ट करी, जिसमें उनका कैंडिडेट्स खुद 155 तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और एक बात की हमने जो हरियाणा में देखा था, हरियाणा एक आई थिंक अभी भी नहीं, महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, हरियाणा कभी भी डिबेट किया जाएगा दो तीन चीज़ों पर। एक तो था कि मीडिया का जो बिल्डअप था कि जीत गए होने वाला है, वाइप आउट होगा, बीजेपी सफाई हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन जब रिजल्ट आया और पहले एक दो घंटे में तो पूरा क्या कहते हैं लड्डू बटने लगे, जलेबी बटने लगी कांग्रेस के, वहाँ ढोल बजने लगे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे। लेकिन जब 11-12 बजे के बाद जब असली रिजल्ट आना शुरू हो गया, जब पलट गया पूरा सीन, तो लोगों में बात करने लगी हुआ कैसे। लेकिन आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के का मामला एक तरह से दूसरा था, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव से, अगर आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ बीजेपी का वहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर देखा जा रहा है तो माना जा रहा है कि एमवीए की सरकार बननी जा रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे को नाम याद नहीं है, उसमें एक एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी था, उसमें से 6 असेंबली औरंगाबाद है शायद, हाँ ठीक है, तो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे थे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी भी था बीजेपी 5 पर लीड कर रही थी। जब 6th कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटिंग आया बीजेपी 1.5 लाख वोटों से आगे था, फिर भी हार गए। अब आप वही रिजल्ट लेके चलिए इस बार भी कि ऐसे होने वाला, तो क्या होगा, 5 पे बीजेपी जीतेगी, 1 पे कांग्रेस जीतेगा, है ना। हम लोकसभा और असेंबली की तुलना नहीं कर सकते इस बात के लिए, क्योंकि हमने असेंबली सेगमेंट्स का कॉन्टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। आप करिए तो आपको और कोई टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। तो माना ये जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी जी ने नारा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप, किसके बांटने की बात हो रही है, किसके उलेमा काउंसिल कहां से आ गया इसके बीच में, मौलवी कहां से आ गया इसके बीच में, किसके बीच में, अभी इलेक्शन के बीच में आ गए, वो लोग कह रहे कि मुसलमान वोट करना चाहिए, हमको 10% रिजर्वेशन चाहिए पुलिस फोर्स में, टेंडर में मुसलमान को टेंडर मिलना चाहिए, मुसलमानों को फाइनेंशियल एड दिया जाना चाहिए। इसमें से आप क्या कर रहे हैं कि जो हिंदू जो बिल्ली की तरह जो बैठा रहता है कि तो वहाँ जाओ यहाँ जाओ जैसा बिल्ली है, उस तरह हो गया हिंदू भी। अब वो सोचने लग गया भाई ये मुसलमान आके रिजर्वेशन लेके जाएगा, वो करेगा ये तो करेगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन देना गलत है? गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन से गलत है। अंबेडकर जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, क्या उन्होंने सीधा नेहरू के ऊपर कहा था और उन्होंने मना कर दिया। आपको याद है जब तक अंबेडकर जी जिंदा थे मुसलमान नहीं हिंदू के सिवा किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। लॉजिक इतना ही था कि कैस्ट बोलते जो होता है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में होता है। आप बोलेंगे कि मुसलमान में भी कैस्ट है हर चीज़ में, लेकिन जो ऑपरेस कैस्ट है और क्रिश्चियनिटी में कैस्ट कहाँ से आ गया। तो फिर बीजेपी का जो नारा है, जिस तरीके से नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, सीजन में लगता है वो, तो सीजन सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने मुसलमानों की तरफ एक आउटरीच के प्रोग्राम पे किया था, लेकिन बाद में मोदी जी को भी पता चल गया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है।
तो मतलब जिस इलाके में 250 घर बना के दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना से, वहां से एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। ऐसा था हरियाणा में। क्यों? क्योंकि इसी बात पे है कि आप ऐसे कितने भी करो लेकिन वो कम्युनिटी एक ही तरफ वोट करेगा। आप जाइए ओल्ड सिटी का, हैदराबाद का एग्जांपल लेते हैं, आप कुछ भी करो। अब वायनाड है, प्रियंका जीतेगी क्योंकि वहाँ से सुब्राहम सुलेमान सेठ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी ले नहीं कि उसके बगल वाला कौन, इब्राहिम सुलेमान सेठ जीते थे। वो क्या केरला के थे? वो जी एम बनातवाला जीते थे, वो क्या केरला के थे? वो सिर्फ आके नॉमिनेशन फाइल करके जाते थे, बस वापस भी नहीं आते थे, एक मीटिंग भी एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको मलयालम आता नहीं, लेकिन वो जीत जाते थे। क्यों? ऑल इंडिया क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट है, IUML के। ये प्रॉब्लम है कि वो कम्युनिटी जब एक साथ वोट करता है उसका बैकलैश होता है। लेकिन अजीत पवार भी तो इसका इसके अगेंस्ट हैं, इस बयान के, जैसे जिस तरीके से उन्होंने अजीत पवार का इसमें क्या रोल है आप बताइए। अगर वो बारामती से जीतेंगे तो बहुत बड़ी बात है, उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिला, उनके पास 6 कैंडिडेट नहीं थे जिस कॉन्टेस्ट करने के लिए बीजेपी उधार देना पड़ा। और शिंदे कह रहे हैं कि हम CM की रेस में ही नहीं है, तो अच्छा है ना, इससे साफ हो तो गया मतलब बीजेपी का रास्ता साफ है। हाँ, क्योंकि उससे अगर आप 170 सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो कितना बचा अपोजिशन के लिए, 120? तो क्या करेंगे 120 में, एक तो 80 को 40 को। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे इससे पहले हुआ था उद्धव ठाकरे के साथ कि आप एक साथ इलेक्शन लड़े थे, प्री पोल अलायंस था, और यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वहाँ जाके कह रहे कि शिंदे ने विश्वासघात किया था। विश्वासघात तो उद्धव ठाकरे ने किया था कि आपने प्री पोल अलायंस करके बीजेपी का जो मोदी के पोस्टर लगा के अपने इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन के बाद आपने कहा मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, और आपने पार्टी छोड़ दी, पार्टी बीजेपी से टूट गया, आप अलग निकल गया अलायंस में। ये विश्वासघात था लोग, वह 3-4 चीज है वहाँ। हम तो एक तो बार मतलब क्लियर, शिंदे को हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। शिंदे को जो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट अगर आप देखा जाए, अभी भी जो गवर्नमेंट चल रही थी, सबको पता है कि उसके पीछे फडणवीस का हाथ था हर चीज। तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए CM अगर बीजेपी? मेरा अगर कहा फडणवीस ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो इफेक्टिव लीडर है, वो नेक्स्ट जनरेशन लीडर जो बीजेपी की देखते हैं आप, वो योगी आदित्यनाथ हो, अब क्या कहते हैं बाकी जो छोटे छोटे लीडर्स हैं, अन्नामलय जैसे हो तमिलनाडु से, ये नहीं कि वो कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मैं फडणवीस हो, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स है ये बीजेपी के, जैसे हाइक जमाने में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये लोग सारे ABBP से आए थे, अब वो जनरेशन ख़त्म हो गया, अब मोदी जी के जनरेशन है, इसके बाद अमित शाह का जनरेशन आएगा, वो जाएंगे तो कौन आएगा नेक्स्ट? तो एक नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप बिल्डअप हो रहा है बीजेपी में। मोदी जी अगर जाएंगे तो PM कौन बनेंगे, योगी बनेंगे या फिर अमित शाह? जब देखना पड़ेगा। आपकी चॉइस कौन सी है? मेरा चॉइस अमित शाह ही होगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। योगी क्यों नहीं? वो योगी अभी भी, योगी आदित्यनाथ का एज कितना है अभी भी? 50 अप्रॉक्स। अमित शाह भी उतना ही है, थोड़ा ज़्यादा है अमित शाह जी। तो अमित शाह भी एक दो टर्म सर्व करेंगे तो उनके भी एक्सपीरियंस मिलेगा। सी, इंटरनेशनल लेवल पे डील करना अलग बात है। जी, आप सोचिए कल के दिनों ग्रीस जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, ये नहीं कि मोदी जी वहाँ जाके अंग्रेजी में बात करते हैं, वहाँ से भी हिंदी में बात करते हैं, उसका ट्रांसलेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो मेच्योरिटी लता मोदी जी को भी गुजरात के CM से उठते हुए उनको दिल्ली के कल्चर में आते आते, वो बहुत बताए भी थे कि मेरे को बहुत थोड़ा शौक लग गया था दिल्ली का कल्चर देख के, मैं दिल्ली आता ही नहीं था क्योंकि इतना दिल्ली का गली गली में करप्शन होता था, हर चीज़ के लिए कमीशन होती थी। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है इस बात का कि हर चीज़ अगर आपको कुछ चाहिए दिल्ली में तो काम के लिए पैसा देना चाहिए। मैं 2014 के पहले तो करप्शन तो अभी भी कहा जाता है, विपक्ष आरोप लगाइए, आप कोर्ट को जाइए ना। अभी आप देख लीजिए, हाल में ही देख लीजिए, जो क्या नाम है इनका, कैलाश गहलोत, जो अभी आम आदमी पार्टी से बीजेपी का दामन थामे है, तो लगाया जा रहा, कहा जा रहा है उनके ऊपर ED के चार्जेस लगे हुए थे। तो किसने रोका था इनको कोर्ट जाने से? तो अब ये वो कोर्ट गए, उसके बाद अब ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो इसीलिए बीजेपी में आए हैं। उनको हमको सबको पता है कि कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री बनना उनका तय हो गया था, उनको यही लग रहा था कि बस वो आतिशी को जब बनाए। बीजेपी ने खुद आरोप लगाए उनके ऊपर कि ऐसे ऐसे इतने का किया उन्होंने, घोटाला किया किया, लेकिन फिर उनको ले अजीत पवार कहाँ के हैं, वही तो है ना। लेकिन हाँ, उनको क्यों लिया गया अभी कैलाश गहलोत पे, इससे कहीं ना कहीं छवि नहीं बिगड़ी? और जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, इलेक्शन में भी यही होता है। दिल्ली के इलेक्शन अगर जीतना है तो अरविंद केजरीवाल के जो अगल बगल में लोग हैं उनको पहले हटाना चाहिए वहाँ से। उनको पता है कि आतिशी तो बहुत वीक कैंडिडेट थी, चीफ मिनिस्टर मटेरियल थी नहीं वो, लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि वो जब ऑर्डर करेंगे अरविंद केजरीवाल वही करेंगी। उन्होंने तो कुर्सी भी खाली करके रखा है बगल में, अच्छा बैठती नहीं उस पर।
तो गहलोत का आना ये नहीं, ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग आए, अब बताइए, बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए थे और उनको पता है कि इनका ये लोग दूध से धुले हुए हैं क्या, पूरे यहाँ आते पूरा साफ हो गया। हेमंत विश्व शर्मा 2014 के बाद जब आए थे वो, जब सब ठीक है वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन पे भी जो चार्जेस लगे हुए थे। हेमंत विश्व शर्मा अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप में मैं एक नाम भूल गया था, इनका नाम है, उनको कुत्तों का बिस्किट खिला के राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर कर दिया, सबको पता है वो कहानी। तो हेमंत विश्व शर्मा अभी नॉर्थ ईस्ट पूरा कंट्रोल करता है बीजेपी के लिए। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अभी जो जो चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव है, झारखंड के अंदर में चुनाव है, इस टाइप के जो धार्मिक नारे जो होते हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, या फिर 15 मिनट का जो वैसी भाषण दे रहे हैं, इन सब से अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, मतलब बांटने की बात ज़्यादा हो रही है। अगर आप एक रिलीजन की बात करें तो ये बांटना लगता है, जब उस तरह से देखते हैं और नारे लगते हैं, अल्लाहू अकबर का नारा लगता है, नारा तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है तो ये भी गलत है ना। सी कहाँ से शुरू हुआ वो बात है, बोलते हैं अभी कांग्रेस तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि जय श्री राम भी नारा नहीं लगना चाहिए, कल के दिन बोलेंगे गुजरने के बाद भी राम नाम सत्य बोलना वो भी गलत है। राम का नाम तो चलता है नॉर्थ में, जब दो लोग मिलते हैं राम राम कहते हैं, हाँ जी, तो ये तो बात है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि बहुत सारे वीडियोस जो वायरल होते रहते हैं, किसी को पकड़ करके जबरदस्ती बुलवाया जाता है। हमको पता था कि ऐसे वीडियोस वायरल बनते कैसे हैं, पहले बात सबको पता है, ये बनाने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है। हमने गुजरात रेट्स में देखा तो फेमस पिक्चर, एक बंदा तलवार लेके खड़ा है, बाद में हमको पता चला कि उसको पैसा दिया गया, उसको बोला गया कि हमको मैगजीन के लिए बहुत अच्छा कवर चाहिए तुम करो, उसके बाद वो बंदा गया पता नहीं किधर, लेकिन उसको दिखाया गया हिंदू, अभी भी दिखता है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होल्डिंग अ स्वॉर्ड, गुजरात का 2002 का राइट्स का। सी ये जो नारे लगाए जाते हैं, हमने देखा बहुत सारे केस में, बाद में पता चलता है ये तो खाली शो था, पुट ऑन शो था, एक्चुअल इश्यूज पे आना चाहिए। एक्चुअल इश्यूज क्या है महाराष्ट्र में? हाँ, एक तो महाराष्ट्र पे हम वापस आते हैं, महाराष्ट्र से जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, बहुत सारे सर्वे ऐसे भी बता रहे हैं कि MVA की जो सरकार है वो आने जा रही है, शरद पवार को फैक्टर माना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हम तो इस हरियाणा के एग्जिट पोल में देखे थे कि सारे के सारे एग्जिट पोल तो एक ही तरफ गए थे, हुआ क्या था बाद में? ये एग्जिट पोल कैसा होता है, एग्जिट पोल अलग होता है, ओपिनियन पोल अलग होता है। ओपिनियन पोल लोगों के ओपिनियन पूछे जाते हैं, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से किया जाता है, एक तो उनके घर जाते हैं, आजकल लोग घर में आने किसी को देते नहीं, दूसरा फ़ोन पे करते हैं, ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड रहता है, आपको भी मिलता होगा कॉल्स कभी, किसको वोट करने वाले, 1-2-3 नाम बता देते हैं किसको वोट, वो कंसोलिडेट करते हैं, मतलब घर से बैठ कर, हाँ घर से बैठ कर सिर्फ सैंपल साइज निकालते हैं, फिर उनके ही कुछ विचार लगा देते हैं उस पर कि यार ये तो जीत रहा है, इतना हाइप हो रहा है तो ये जीतेगा। मतलब 10,000 लोगों पे सर्वे किया और 1 करोड़ का पूरा डेटा बना दिया, एक्सट्रपोलेशन कहते हैं उसको, पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 1,000 लोग हैं सैंपल साइज में एक जगह पे, उसमें बोलते हैं कि यहाँ 1,000 में 100 लोग मुसलमान को लेंगे क्योंकि मुसलमान एरिया है, यहाँ 10% मुस्लिम्स और 10% 100 का कर देते हैं। लेकिन फिर ये बात होता है कि वो सच बोल रहा है कि नहीं, कौन सा बंदा ये झूठ क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको डर कभी कभी लगता है, यार मैं सही बोला तो मुझे मार तो नहीं पड़ेगी, बाहर जाते थे मैं कुछ भी बोल देता हूँ। अच्छा, एग्जिट पोल पर आपको कितना विश्वास है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल भी यही होता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे केरल में, केरल में अगर आप बूथ से बाहर आके ये बोले कि मैंने बीजेपी को वोट किया तो आपको मार पड़ेगी, कम्युनिस्ट वाले मारेंगे, नहीं तो कांग्रेस वाले मारेंगे, नहीं तो मुस्लिम लीग वाले मारेंगे थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आप किस बात के लिए आप रिस्क लेना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं गया तो गया भाड़ में, मैं क्यों जाके किसी को। लेकिन जो देखा गया था, जैसे एग्जिट पोल की बात करें तो लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उससे पहले पीएम मोदी ने नारा दिया था 400 पार, और बहुत सारे एग्जिट पोल जब आए थे उसमें कितने, इसमें तो 400 पार भी दिखाया था, रिजल्ट उसके उलट आए थे। फिर उसके बाद हरियाणा चुनाव पे आ जाइए, हरियाणा चुनाव में किसी भी मतलब एक भी सर्वे में या एक भी एग्जिट पोल में ये नहीं दिखाया गया कि कांग्रेस नहीं हारेगी, मतलब उसकी जीत तय है ऐसा माना जा रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो एकदम अपोजिट थे। तो इस बार का जो यही तो मैं कह रहा हूँ आप किस बात पे विश्वास करेंगे एग्जिट पोल का? मैं भी बैठ के बनाता हूँ घर पे बैठ के एग्जिट पोल आपके लिए, और मैं बोलता हूँ कि मैंने 10,000 लोगों का सैंपल किया, किसने क्या प्रूफ है आपके पास आपने किया? तो ये जो, और एग्जिट पोल कब करते हैं आप? समझिए आज शाम को इलेक्शन बंद हो रहा है 5 बजे, उसके और आपको 6 बजे से इलेक्शन रिजल्ट शुरू करना, चैनल के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि हम पहले नंबर लेके आएंगे तो हमको व्यूअरशिप मिलेगा, तो कब तक करते हैं वो? 2 बजे 1 बजे का रिजल्ट रहता है जहाँ तक उन्होंने किया, उसके बाद वो कट ऑफ कर देते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, सुबह का रिजल्ट लेके शाम को लगा देते हैं। लेकिन शाम का जो बंदा आ रहा है वोट करने के लिए वो और कुछ सोच के आ रहा होगा,
वो शायद कट्टर बीजेपी वाला होगा जो बोलता है कि भाई सुबह नहीं डालूंगा शाम को ही डालूंगा लेकिन डालूंगा आके वोट, या कांग्रेस वाला हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स को बिल्कुल मैं नहीं करूँ कि खारिज कर दिए, बट एक पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है हाँ बोल दिया ना ठीक है हम देखते हैं बाद में, ये बात होना चाहिए। तो महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनने जा रही है या फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? मुझे लग रहा है ये सब आरएसएस के काम पे होगा है, जितना आरएसएस ने काम किया उस पर यह पूरा निर्भर करेगा। और हरियाणा का रिजल्ट ने ये हमको कितनी सीट आने जा रही है, मेरे को रहेगा कि बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी रहेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। 288 में से समझिए कितनी आ सकती है मैक्स? सी बीजेपी खुद तो 170 कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर लास्ट टाइम का भी स्ट्राइक रेशियो दिया गया तो बीजेपी को अगर 120-130 भी आ जाए तो बाकी दो अलायंसेस मिला के बीजेपी को मिल जाता है। बीजेपी को फिर भी भरोसा किस पे नहीं, अजीत पवार पे नहीं है कि वो जीतेगा तो भी ठहरेगा कि पता नहीं, पहली बात। और बारामती में जो एरिया है उनका जो इलाका है वहाँ कट्टर कॉन्टेस्ट है, सबको पता है। शरद पवार कह रहे हैं इसके बाद मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करूँगा। कल उद्धव ठाकरे जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर तुम मेरे को हरा दिए तो मैं अगले इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। तो लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भैया ये गया तो कौन, ये महात्मा गांधी जा रहा है ना, बोलता वापस नहीं आऊँगा मैं। अरे तुम नहीं आओगे तो और कोई कॉन्टेस्ट करेगा? भैया तुम डरा के किसको, तुम ये बोलो कि मैं हार भी जाऊँ तो मैं यही रहूँगा, यही काम करूँगा। ओवैसी को कितनी सीट आ रही है? नहीं आएगा ओवैसी, वोट काटेंगे। औरंगाबाद में शायद एक आ सकता है, इससे पहले भी आया था उनको लोकसभा में आया था, लेकिन ये बार मेरे को लगता है कि एक दो सीट पे उनका आ सकता है लेकिन वो वोट कटेंगे। ये तो कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, शायद बराबर गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओवैसी का यही लॉजिक है। मैं ओवैसी की तरफ से आप सोचिए, उनका लॉजिक है मैं हैदराबाद पार्टी नहीं हूँ, मैं कुएं के अंदर के मेंढक की तरह नहीं हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर और एक दुनिया है। तो उसने आसाम में गए थे, वहाँ AIDF के साथ उनका कॉन्टेस्ट था फिर भी, और यहाँ बिहार UP में जब जब टाइम मिला वो वहाँ भी कॉन्टेस्ट करते हैं। उनको ये है कि उनका पार्टी को हैदराबाद पार्टी ना माना जब बाहर ले जाए। उन्होंने तेलंगाना भी बहुत सारे जगह से कॉन्टेस्ट किया था, जीते नहीं, जैसा निज़ामबाद है जहाँ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, करीमनगर है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ऐसे जगह पे वो कॉन्टेस्ट किए, यानी कि नहीं। 15 मिनट पर आप क्या कहेंगे? इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना है ये, 15 मिनट का जो बयान उन्होंने दिया था इससे पहले उसके बाद ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना है कि 15 मिनट बाकी है अभी, उन्होंने ऐसा बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल। मैं यही कह रहा हूँ, थोड़े लोग ना सोशल मीडिया के लिए स्पीच देते हैं, ये नहीं कि स्पीच देते हैं, सोशल मीडिया के लिए स्पीच देते हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ वायरल होगा, ये चीज़ को पकड़ के लोग बोले। इसलिए मैं कभी कभी मैं बिल्कुल देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक्चुअल न्यूज़ इसमें कहीं कहीं घूम हो जाता है, हम असली न्यूज़ का एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, बहुत निष्पक्ष देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, दो अलायंस हैं, अलायंस के स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट आप देखिए उनका एरिया कहाँ है। जैसा आप शिंदे को ले लीजिए, शिंदे जी का हम सबको पता है, थाने और थाने के बाहर मुंबई कोंकण एरिया, और इनका नारायण राणा के भी कोंकण के आगे उनका इन्फ्लुएंस है। मुंबई में शिवसेना का ओरिजिनल गढ़ था, वहाँ भी इनका थोड़ा पकड़ है, उद्धव ठाकरे का पकड़ है, लेकिन लास्ट 3-4 इलेक्शन से बीजेपी वहाँ भी जीतते आ रही है। बीजेपी का स्ट्रेंथ सिटी है, हम सब कहते हैं कास्ट फैक्टर इस बार काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो गया, जरांगे का जो प्रॉब्लम था वो बैकफायर हो गया, क्योंकि जब वो रिजर्वेशन मांगते हैं तो वो बोल रहे मेरे को OBC कोटा में ही चाहिए रिजर्वेशन, मेरे को अलग नहीं चाहिए, मेरे को OBC कोटा में ही चाहिए मेरे को, क्योंकि वो कोटा अलग कोटा होता है। OBCs में भी डिफरेंट स्ट्रेंथ, जैसे उसके लिए कैश सर्वे की बात करते हैं राहुल गांधी, क्योंकि हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इसने इसको किस लिए दिया इसको किस लिए नहीं दिया। राहुल गांधी ने अभी अडानी के साथ एक लॉकर खोलते हुए पिक्चर कभी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एक वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? तो राहुल गांधी कोर्ट को जाए, खुद तो जमानत पे घूम रहे हैं, हम सबको पता है 420, हम सब कहते हैं 420 किस लिए, मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी जानबूझ करके अडानी ग्रुप को जो है धारावी का पूरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। किसने दिया था वो? धारावी स्लम डेवलपमेंट बिडिंग था, बिडिंग प्रोसेस था, ये नहीं कि किसी को दे दिया ऐसे। उसमें आपको पता है कि वहाँ के बॉम्बे के बहुत सारे बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले वहाँ, ये नहीं कि सिर्फ अदानी को मिला। उसमें मिलता क्या है? रीडेवलपमेंट होता है, उससे अच्छा तो बिजनेस अदानी खुद कर लेता है। जी ये अदानी से राहुल गांधी ना अपने आप को बिल्कुल चीप बना रहे। कल वो उन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर परसों कुछ एलिगेशन किए थे मुंबई में कि ये जर्नलिस्ट देखो सब चोर है, वो है, मुंबई प्रेस क्लब ने उसका प्रोटेस्ट किया था। किसने करते हैं ये? खुद बोलते हैं कि ये देखो आपके बीच में एंकर कितने, हम आप पूछते हैं कि आपके स्टूडियो में एंकर कितने कैस्ट के होते हैं? हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, कैस्ट का बात नहीं करते, क्योंकि हम जब ऐसे जगह पे आते हैं हम कैस्ट भूल जाते हैं,
हम बोलते हैं अच्छा एंकर, अच्छा प्रेजेंटर कौन है, अच्छा न्यूज़ डेस्क कौन मेंटेन करता है। राहुल गांधी को सिर्फ यही दिखता, उनको उनके सोच पे यह है कि अगर मैं कैश को लेके लोगों को बांट दूं तो कांग्रेस जीत सकता है। वो तो सोचे कास्ट सेंसस की बात करते हैं। हाँ, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, कर्नाटक में 10 साल पहले कैश सेंसस हुआ था जब सिद्धरामैया जी थे, जब भी वो अभी बाहर तक बाहर क्यों नहीं आया। सिद्धरामैया जी ने जब 1-1.5 साल पहले इलेक्शन जब जीता था, उन्होंने बोला कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट रिलीज करूँगा, किया नहीं। फिर बोला कि नहीं, उसमें एक मेंबर ने हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने आके हस्ताक्षर कर दिए। फिर बोला अभी नहीं, 6 महीने में हो गया। राहुल गांधी को ये बात बोलना चाहिए कि कर्नाटक में जो कैश सर्वे है उसको रिलीज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ के जो कलागियाज वकलीगाज और लिंगायत से उन्होंने क्लियरली बताया था कि अगर आप ये रिलीज़ करेंगे तो हम आपका क्लास ले लेंगे। अभी तो एक वायरल भी हुआ था, 50% आरक्षण की बात कह रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, तो बोलते हम तोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2-3 बार इसको, अगर आप लॉ भी लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट उसको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, आपने शपथ किस बात पे लिया था जब आपने लोकसभा का मेंबर बने, तो आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, और आप बोलते हैं हम ये लॉ को ही तोड़ेंगे। आपने अपना ओथ ऑफ ऑफिस का आपने वायलेट कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि हम अगर सेंटर में आएंगे तो हम लॉ बदल देंगे, आप बदलेंगे नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट उसको मार खत्म कर दे, खारिज कर देगा, क्या करेंगे आप फिर? तो बोले मैं क्या करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनको पता है कि एक तो वो जीतेंगे नहीं नेशनल लेवल पे, तो लॉ वैसे ही रहेगा। ये लोगों के बीच सी, आप यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस इतने ज़माने से थे, कांग्रेस के लिए क्यों नहीं किया? ये जो 50% का जो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग लगाया था यूनिक्रेशन वर्ज स्टेट ऑफ इंडिया में, वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, 1 ने 2 ने 3 बार हुआ था, और कांग्रेस ने चैलेंज नहीं किया, कोर्ट में गया था हार गए, चुप बैठ गए। जब क्यों नहीं किया भाई? तुम आज अभी बोल रहे राहुल गांधी हम वो दिन करना था, शायद जब करे तो अच्छा होता था। अरे अंग्रेजी में कहते हैं हाइंडसाइट इज एडवांस साइंस, होने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन उससे पहले बात नहीं करते इसके बारे में। तो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है वहाँ का लॉबी अलग है, एक तो ऑनियन लॉबी है जो बीजेपी को लास्ट टाइम तकरीबन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया था। एक सर्वे में बताया जा रहा था कि इस बार जो है राहुल गांधी सबसे बड़े नेता बन करके उभरे हैं, और इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी महाराष्ट्र के अंदर। कैसे? कांग्रेस के नेता का नाम बताइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भी जितने भी राहुल गांधी ही चेहरा है मेनली, नाना पटोले है, हाँ वो है, लेकिन राहुल गांधी के फेस पे ही लड़ा जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कितने सीट पे लड़ रहे हैं? वहाँ तो शिवसेना का अपहरण सबसे ज्यादा, हाँ लेकिन सबको मालूम है कि वहाँ सबसे पावरफुल शिवसेना ही रहेगा। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कभी नहीं था, कांग्रेस का स्ट्रेंथ एक ही जगह पे था, एक तो मुंबई में था, फिर दूसरा लातूर उस्मानाबाद में था, और कहीं नहीं है कांग्रेस का। कोंकण में नहीं था, नारायण राणे वो लोग सारी अलग गेम है। वो शरद पवार जब तक कांग्रेस में थे उनका गढ़ था, बारामती अभी भी है, सतारा है, वो एरियाज पूरा उनके नीचे आता है, लेकिन जब से कांग्रेस निकल गए, मराठवाड़ा में भी तो है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो वहाँ से भी निकल गए, लेकिन कांग्रेस को पकड़ नहीं है कहीं भी। महाराष्ट्र में ये बोलिए कांग्रेस का गढ़ कहाँ है? उन्होंने लास्ट मुंबई में इलेक्शन कब जीता था आपको याद भी नहीं होगा शायद, एक ज़माना था जब यू नो वहाँ से बहुत सारे लोग कांग्रेस के जीत के आते थे, नेता बड़े बड़े दिग्गज नेता आते थे, यशवंतराव चौहान थे जैसे लोग थे, ए आर अंतुले थे, जो एकदम टॉल लीडर्स थे। अभी महाराष्ट्र के लीडर का नाम ही याद नहीं है लोगों को, नाना पटोले को बाजू में लगा दिया था उन्होंने, बगल में लगा फिर भी वहाँ बैठ भाई, हम लोग डिसाइड करेंगे कैंडिडेट्स को, तू कौन होता है? उनको उद्धव ठाकरे ने बोले इसको मत भेजना इसको, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी और को भेजा। ये हाल है कांग्रेस का कि अगर मैं कहूँ जेन्युइनली कोई जीतने का चांस भी है महाराष्ट्र में एक अच्छा सा परफॉर्मेंस करने, सिर्फ शरद पवार के पास, शरद पवार और किसी के, क्योंकि उनका एक अलग गढ़ है, जो शुगर केन बेल्ट है, जो प्याज का बेल्ट है, लसनगांव रोजबाग यहाँ है। लास्ट टाइम प्याज के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट रोक दिया था, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाया था, 40% ड्यूटी लगा दी थी, उससे और एक्सपेंसिव हो गया प्याज बाहर भेजने के लिए। अगर प्याज एक्सपोर्ट करें तो लोकल रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ इलेक्शन हार जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने दो करके सोचा यार एक जगह पे हार जाए बेटर, दोनों जगह पे नहीं हारना चाहिए। तो यही हुआ था लास्ट में कि 6 से 8 सीट पे बीजेपी ने प्याज के रीजन से हारा था। प्याज का दाम बढ़ने से नहीं, जो प्याज के जो फार्मर्स थे उनके इश्यू से हुआ था, उनका एक्सपोर्ट रोक दिया था गवर्नमेंट ने। अच्छा ठीक ही तो किया था, नेफेड लेते हैं, नेफेड खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, फिर वहाँ शुगर केन का इश्यू है जो शरद पवार का बेल्ट है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, हमने देखा था 3-4 बैंक तो पूरा बिल्कुल सफाया हो गया उनका, तो वहाँ बहुत सारे लोकल इश्यूज़ है जो नेशनल, इसलिए देखिए आप एक बार नेशनल इश्यूज़ कुछ नहीं आया, नेशनल इश्यूज़ फिर भी झारखंड में चल रहा था, यहाँ नहीं।
झारखंड का क्या रुझान आपको लग रहा है? झारखंड में जैसे मेरे एक दोस्त बता रहे थे ये बार कि जो वहाँ के जो मुसलमान, आपने कैंपेन भी देखा होगा जो एड्स बीजेपी ने रिलीज़ किया था, जो इलेक्शन कमिश्नर भी कहा था कि ठीक नहीं आप निकाल दो, लेकिन वो एक बार ऐड निकल गया ना, आप कहाँ से निकालोगे उसको? बीजेपी हैंडल से निकाल दोगे, लेकिन वो ऐड तो पूरा व्हाट्सएप में घूम रहा है, तो वायरल। हाँ, तो उधर का मेन प्रॉब्लम क्या है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो मुसलमान है, वो हमने नहीं कहा था, ना बीजेपी ने कहा ना था, ना और किसी ने कहा था, वहाँ के हाईकोर्ट ने कहा था। आपको याद है 2 महीने पहले झारखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 11 से 15 डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बुरी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट में इनको आने का अनुमति किसने दिया, लैंड खरीदने का परमिशन किसने दिया, ये लोग क्या करते हैं, लोकल ट्राइबल महिला को शादी कर लेते हैं, बंदा तो मुसलमान रह जाता है, उसको ट्राइबल वुमेन को मुसलमान बना जाते हैं, उसको लैंड खरीद लेते हैं। ये ज़मीन का जो प्रॉब्लम है झारखंड में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। वहाँ के लोकल्स को भी पता, आपने देखा था शिमला में क्या हुआ था, हमने देखा था उत्तराखंड में क्या हुआ था, कि बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ एक कम्युनिटी के लोग आना ही नहीं चाहिए, वो शायद झारखंड में भी होगा, क्योंकि ट्राइबल स्टेट। हमको छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया गया था लास्ट इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बोला छत्तीसगढ़ तो बीजेपी जीतेगा ही नहीं, जैसे हरियाणा के बारे में कहा गया था, चांस ही नहीं है, रमन सिंह आ ही नहीं सकता, भूपेश बघेल तो जीत गए बस, अब कितना सीट का कुछ क्या हुआ, बिल्कुल ट्राइबल स्टेट्स ही। जहाँ जहाँ ट्राइबल स्टेट्स है वहाँ आरएसएस ने बहुत अच्छा काम किया था, उनका जो सरस्वती शिशु मंदिर हो, बाकी जो भी उनके पास जो स्कूल्स है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। अगर त्रिपुरा इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो मतलब झारखंड में सरकार बदलने वाली है, सरकार बदलने वाली। एक तो इनका जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है वो हिंदुओं में बहुत बड़ा डर, लेकिन इसमें जैसे कांग्रेस कहती रही है कि इन्फिल्ट्रेशन का जो मुद्दा उठाते रहते हैं वो फालतू का मुद्दा उठा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट फालतू का बात किया है? जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, मैप में दिखाते हैं कि अगर है तो आप उधर से पकड़िए, कहाँ से पकड़िए, लेकिन प्रॉब्लम में कहाँ पकड़ेंगे? जम्मू में आपने किसको जाके बैठाया था? वहाँ जम्मू में पॉपुलेशन कैसा बढ़ गया इन्फिल्ट्रेटर्स का? ये कांग्रेस के ज़माने में हुआ था वो, कि वहाँ के जो बांग्लादेश से जो आए थे, जो म्यांमार से जो आए थे रोहिंग्या, उनको वहाँ रिसेटल किया गया, वही रोहिंग्या यहाँ भी पहुँच के। तो ये इश्यू है कि आप अगर एक कम्युनिटी पर सपोर्ट मांगेंगे तो वो बैकफायर हो जाएगा, इनको सीखना चाहिए। ये लास्ट यूपी इलेक्शन अगर असेंबली इलेक्शन देखा जाए आप, उसमें इसमें बहुत क्लियर रिजल्ट है कि अगर आप एक कम्युनिटी के तरफ जाएंगे तो दूसरा कम्युनिटी जुड़ जाएगा एक साथ, तो मतलब कंसोलिडेट हो जाएगा। इस बार महाराष्ट्र के अंदर भी और झारखंड के अंदर दोनों जगह मेरा इसमें महाराष्ट्र में थोड़ा टच एंड गो रहेगा, जैसे क्या सिंपल मेजॉरिटी। झारखंड में जैसे मुझे बताया जा रहा है कि बीजेपी को ईजी विन होगा वहाँ, और ये देखना चाहिए कि क्यों होगा, क्या चंपा सोरेन से आने से हुआ या बाकी किसी चीज़ के लिए हुआ, ये हमको देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।